अहम खबर देंगे आपको। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पंजाब की सियासी सूरत-ए-हाल पर पार्टी की सीनियर क़यादत का हंगामी इजलास तलब कर लिया है और ये इजलास कुछ ही देर में मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ की रिहायशगाह पर होगा। पार्टी ज़राए का कहना है कि इजलास में वज़ीर-ए-आला के एतमाद के वोट के हवाले से मुमकिन सूरत-ए-हाल पर गौर होगा। इजलास में लाहौर में मौजूद वफाकी वज़रा और मुआविनीन खुसूसी शिरकत करेंगे और दीगर रहनुमा वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शरीक होंगे। कानूनी और आइनी माहरीन से मुशावरत की जाएगी। इजलास में इसी पर बात करेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा आरिफ मलिक हमारे साथ होंगे। आरिफ, आगाह कीजिएगा, कितनी देर में इजलास शुरू होगा, एजेंडा क्या है? तो वज़ीर आज़म की सैर-ए-सदारत इजलास होने जा रहा है। ये शाम 6 बजे इजलास शुरू होगा उनकी रिहायशगाह में और ये इजलास सियासी सूरत हाल जो इस वक्त चल रही है पंजाब के अंदर में, पूरे मुल्क के अंदर जो सियासी सूरत हाल उसके ऊपर तबादला ख्याल किया जाएगा और खुसूसन जो एतमाद के वोट के हवाले से रूमर्स जा रही है कि वज़ीर आला पंजाब परवेज अलाई उन्होंने कहा है कि वो गवर्नर की जो उन्होंने आर्डर जारी किया था उसे आईनी ही नहीं मानते, गैर कानूनी मानते हैं, तो इस हवाले से भी मुशावरत की जाएगी और इस हवाले से ही जो आईनी और कानूनी माहरीन है उन्हें भी बुलाया गया इस इजलास के अंदर ताकि मुशावरत की जाए कि जो वज़ीर आला पंजाब बात कर रहे हैं, जो उन्होंने गवर्नर ने उन्हें एतमाद के वोट के हवाले से एक खत लिखा था उस हवाले से, क्योंकि वो कह रहे हैं कि गैर कानूनी है, तो उस हवाले से मुशावरत की जाएगी कि अगर हमने ये मामला कोर्ट में लेके जाना है तो किस तरह लेके जाया जाए। और दूसरा, इस इजलास के अंदर ये भी तय किया जाएगा कि जो आइंदा मार्च चैलेंजेस है उस हवाले से भी जो है वो इजलास के अंदर मुशावरत की जाएगी। जी ठीक है। और 6 बजे ये इजलास शुरू होगा मॉडल टाउन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रिहाइश का। बहुत शुक्रिया आरिफ, आपने आगाह किया। आगे बढ़ेंगे। हमारी तफ्तीशी निज़ाम